हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो 28 सितंबर का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो अपन तीनों शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन लेंगे। और वैसे वीडियो लेट डालने का रीज़न, वैसे आपने बहुत से वीडियो देख रखे होंगे इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, ये अभी लेट रिसीव हुए तो वो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बी साई परिणित इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, बी साई जो है परिणित जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है। वो इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उर्जित पटेल। स्पोक पर्सन ऑफ द इंडियन नेवी, डी के शर्मा। ठीक है, वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो अभी तक आपको अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी आपने वीडियो देख रहे होंगे दूसरे क्वेश्चन के। और एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता इस बार, प्राइज मनी ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है पुरस्कार के तौर पर, तो 7.5 लाख इसकी वैल्यू है वो दी जाती। और एक अभी स्कीम लॉन्च हुई थी गोवर्धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन, जिसका पूरा नाम है गोवर्धन योजना। तो शायद आपकी नेक्स्ट ट्रिप में ये आपका नाम पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि जनरली फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो इसका होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। और इसमें क्या होता है, जो सोलर प्लांट मतलब जो गाय का गोबर होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, उससे बिजली उत्पादन की जाती है। ये कुछ इस टाइप की स्कीम थी जो कहाँ पर लॉन्च की गई थी, इस टाइप से पूछा था, विच स्टेट लॉन्च द गोवर्धन योजना स्कीम। तो हरियाणा सरकार ने गोवर्धन योजना को लॉन्च किया था। व्हेन वाज द बैटल ऑफ द प्लासी फाइट, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन जो एक बड़ा संघ है उसमें बहुत से देश आते हैं, और उसकी करेंसी पूछी गई है, तो उसकी यूरो करके है, ढंग से प्रिंट नहीं हुआ जल्दबाजी में, तो इसकी यूरो करेंसी है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, जो अकबर था उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो टोंडर मल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और फिर से कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे कि इन व्हाट ईयर वाज द फुटबॉल इंट्रोड्यूस टू द ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स है उसमें फुटबॉल का कब लॉन्च उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1900 शताब्दी उसमें लॉन्च किया गया था। हाउ मैनी पीरियड्स आर ग्रुप एंड हाउ मैनी आर पीरियड एंड ग्रुप आर देयर इन द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में होती है आवर्त सारणी में, उसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड होता है, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व ऑन जो संविधान है उसको कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 26 नवंबर को उसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, जैसे कि आपको हिंदी में बता दूँ, अगर आपके क्वेश्चन आए संविधान को कब लागू किया, तो आपके आएगा 26 जनवरी 1950 को। बाकी अगर आपसे ये पूछ लें कि इसको कब अंगीकृत स्वीकार या आत्मार्पित किया गया था, तो इसका हो जाएगा आपके 26 नवंबर का। ठीक है, तो ये 26 नवंबर इसमें कन्फ्यूजन था आपके, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अपडेट लेने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।